आज हम सिर्फ आधा कप चावल से 30 से 40 पापड़ बनाएंगे, वो भी धूप में बिना बेटे और धूप में बिना सुखाए। और ये पापड़ आप सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये पापड़ आपको ना ही बेलने हैं और ना ही धूप में घंटों बैठ के इसे बनाना है। और ये फ्राई करने के बाद खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल भिगोएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चावल लिए हैं। अब ये चावल मैं 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार चावल अच्छे पानी से धो लिए हैं। अब इसमें पानी डाल के ये चावल मैं 6 घंटे भीगने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने चावल में पानी डाला था उसमें से अब हम चावल अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार लिया है, उसमें मैं जो चावल मैंने भिगो के लिए थे वो डालूँगी। अब ये चावल पीस के इसका हम एक पेस्ट बना के लेना है। याद रखिए ये चावल थोड़े भी दरदरे नहीं रहने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और आप उसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। और मैं आपको उंगली पे लेके दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा भी दरदरापन नहीं है। अब ये जो चावल की पेस्ट बनाई है वो मैं एक बाउल में निकालूँगी। मैंने ये पेस्ट बनाते हुए इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डाला था। अगर आपका पेस्ट नहीं बन रहा होगा तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप चावल लिए थे, उसके लिए मैं इसमें उसी कप से आधा कप पानी डालूँगी। तो मैं आधा कप पानी जिस मिक्सी के जार में मैंने चावल पीस के लिए थे उसमें डाल के फिर इसमें डालूँगी, ताकि जो आटा मिक्सी के जार में लगा है वो वेस्ट ना हो। पानी डालने के बाद आटा और पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा और पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल और स्वादानुसार नमक डाल के ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है और आप यहाँ पे इस बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। अब ये पापड़ बनाने के लिए हमारा बैटर तैयार है। हम अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के 2 ढक्कन लिए हैं। आपके पास छोटी प्लेट्स होगी तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब जो तैयार किया हुआ बैटर है वो हमें इस ढक्कनों में डाल के इस तरह से फैला लेना है। और जो बैटर एक्स्ट्रा बचेगा वो हमें फिर से वापस बाउल में निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ऊपर बचा हुआ बैटर मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब ये हम स्टीम करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ही गैस पे स्टीमर में 2 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब उसमें हम एक ढक्कन रखेंगे। अब इसे हमें सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही स्टीम कर लेना है। 30 से 40 सेकंड में ही ये अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 से 40 सेकंड में ही ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसी तरह जो दूसरे ढक्कन में हमने बैटर भर के रखा है वो भी स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा भी सिर्फ 30 से 40 सेकंड में अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसी तरह से हम सारे पापड़ जो है वो स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पापड़ स्टीम करके लिए थे वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक सुई ली है और इस सुई की मदद से पापड़ हम ढक्कन से साइड से अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से सुई से पापड़ हमें साइड से अलग कर लेना है और हाथ से जब आप निकालोगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इन ढक्कनों में हमने तेल भी नहीं लगाया था, फिर भी ये पापड़ आसानी से निकल जाते हैं और आप देख सकते हो पापड़ कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह से दूसरा पापड़ भी अलग कर लेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, सुई से पापड़ साइड से ढक्कन से अलग कर लेना है। और साइड से अलग करने के बाद आप देख सकते हो पापड़ ढक्कन से आसानी से अलग हो रहा है। और ये पापड़ भी आप देख सकते हो
बिना टूटे अच्छे से निकल चुका है। अब इसी तरह से हम बचे हुए सारे पापड़ भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं और आप देख सकते हैं बिना टूटे ये सारे पापड़ कितने अच्छे से बन चुके हैं। अब इन पापड़ों को हम सिर्फ फैन के नीचे सुखाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ये सिर्फ 2 से 3 घंटे धूप में सुखा सकते हो, नहीं तो ये फैन के नीचे ही अच्छे से सूख जाते हैं। और ये पापड़ आपको फैन के नीचे सुखाने में भी सिर्फ 1 दिन लगेगा। 1 ही दिन में ये पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं और इसमें से एक भी पापड़ टूटा नहीं है। अब ये पापड़ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। पापड़ फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही गैस पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था और तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब उसमें पापड़ डालेंगे और आप देख सकते हैं पापड़ डालते ही कितना अच्छे से फूल रहा है। तो आप ये बिना धूप में बैठे आसानी से बनने वाले और सिर्फ 1 ही दिन में सुखा के सालों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ऐसे चावल के पापड़ इस बार ज़रूर बना के देखिए। ये पापड़ फ्राई करने के बाद भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और ऐसी ही नई और आसान रेसिपी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।